गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रलय मिसाइल। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज प्रोक्योर्ड अ इंडिजीनियस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय, गिविंग इंडियन मिलिट्री टू हेफ्ट टू इट्स वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। तो रिसेंटली जो है इंडिया ने जो है अपनी प्रलय मिसाइल जो है वो जो आपकी इसके जो है सफल परीक्षण जो है इन्होंने कर लिया है। और प्रलय मिसाइल के बारे में देखते हैं, ये देखो ये टेक ऑफ जो है यहाँ से आपका इसका मिसाइल का किया गया है। तो देखते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। प्रलय इज इंडियाज फर्स्ट कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया की पहली कन्वेंशनल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो है प्रलय, एंड इज एन आंसर टू एनी कन्वेंशनल मिसाइल अटैक फ्रॉम नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स। तो किसी भी तरीके से इसका जो है ये कोई अटैक करता है तो ये जो क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसमें काफी ये सक्षम है। क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल हैज अ लो ट्रेजेक्ट्री, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो लो होती है, and while it is largely ballistic it can be maneuvered in flight। तो basically maneuvered in flight का मतलब ये होता है कि इसको जो है हवा में भी हम जो है इसको direction जो है वो दे सकते हैं। मतलब एक बार हमने कहीं पे target लगा के अगर हमने कहीं पे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना टारगेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एक सर्टेन हाइट तक हम जो है अपना टारगेट अगर हम चेंज करना चाहें कि हम इस पर्टिकुलर टारगेट पे हिट नहीं करवाना चाहते या किसी दूसरे टारगेट पे हिट करवाना चाहते हैं तो वो जो है इस मिसाइल के थ्रू वो करवाया जा सकता है। अब से पहले जितने भी ऐसी मिसाइल जो है वो बनती थी इंडिया में उनमें ऐसा जो है वो नहीं किया जा सकता। तो ये इंडिया की पहली ऐसी मिसाइल है जिसमें जो है मैन्यूवर जो है वो किया जा सकता है ड्यूरिंग फ्लाइट। तो मिसाइल कौन सी आपकी प्रलय मिसाइल। Ballistic missiles are initially powered by a rocket or series of rockets in stages, but then follow an unpowered ट्रेजेक्ट्री। एक बार जो है इस मिसाइल को जो है वो छोड़ दिया जाता है तो ये एक सर्टेन हाइट तक रीच कर जाती है। जब सर्टेन हाइट पे ये रीच कर जाती है उसके बाद जो है ये अनपावर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो करती है, एंड दैट आर्चेस अपवर्ड बिफोर डिसेंडिंग टू इट्स रीच एंड इज इंटेंडेड एट इट्स इंटेंडेड टारगेट एट हाई स्पीड। और उसके बाद ये हाई स्पीड पे अपना जो इसका इंटेंडेड टारगेट होता है उस पर ट्रेजेक्ट्री पोजिशन में ये डाउनवर्ड मूव करती है। द मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड इन अ वे दैट इट इज एबल टू डिफीट द इंटरसेप्टर मिसाइल्स। और ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है उनको भी ये डिफीट कर सकती है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स कौन सी होती है, मान लो आपने किसी देश के ऊपर मिसाइल छोड़ी तो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए दूसरा देश जो होता है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है वो इस मिसाइल्स के ऊपर दागता है। तो ये जो मिसाइल जो है ये इस तरीके से डेवलप की गई है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है उनको भी डिफीट कर सकती है, एंड ऑल्सो हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ। और ये अपना पाथ जो है वो भी चेंज कर सकती है आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन रेंज मिड एयर। एक सर्टेन रेंज जो है उसको कवर करने के बाद ये मिड एयर अपना पाथ जो है उसको चेंज कर सकती है। फीचर्स देख लेते हैं प्रलय मिसाइल के। इट इज पावर्ड विद सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एंड मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर जो है वो लगी हुई है। द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम इंक्लूड स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। तो इसमें जो है स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम जो है वो लगा हुआ है और साथ में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इट कैन बी कंपेयर टू चाइनाज डोंगफेंग 12 एंड रशियंस स्कंदर मिसाइल। तो रशियन की स्कंदर मिसाइल और चाइनाज की डोंगफेंग 12 जो है उससे इसको जो है कंपेयर किया जा रहा है। दैट हैज बीन यूज्ड इन ऑनगोइंग वॉर विद यूक्रेन। तो रशियन स्कंदर मिसाइल जो है उसको यूज किया जा रहा है ऑनगोइंग वॉर में जो कि इसकी यूक्रेन के साथ चल रही है। तो इसको जो प्रलय मिसाइल जो है इसको जो है इनका कंपेरिजन जो है डायरेक्ट इनके साथ जो है वो किया जा रहा है। It is capable of carrying conventional warhead of about 350 kg to 700 kg. इसमें जो है conventional warhead जो है almost 350 kg से लेके 750 kg तक का warhead जो है वो इसमें जो है ले जाया जा सकता है। इसकी कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो 350 kg से लेके 700 kg तक का जो warhead जो है उसको कैरी कर सकती है, which gives it a deadly punitive capability. It can carry a high explosive performance fragmentation warheads, penetration cum blast and runaway denial penetration submunitions. ठीक है, तो ये जो है इन तीनों को जो है ये अपने साथ कैरी कर सकती है। इसकी रेंज देख लेते हैं। मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 150 टू 500 किलोमीटर एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर। इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय विल बी अ लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन द इन्वेंट्री ऑफ आर्मी। तो अब तक की जो लॉन्गेस्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रलय मिसाइल।
आर्मी ऑल्सो हैज अ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हमारी आर्मी जो है उसके पास 300 किलोमीटर रेंज तक की ब्रह्मोस मिसाइल भी है, लेकिन वो जो है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ये जो है आपकी ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट टेक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल एंड विल गिव द आर्म्ड फोर्सेज द कैपेबिलिटी टू हिट आर्मी पोजिशंस एंड की इंस्टॉलेशंस इन एक्चुअल बैटलफील्ड एरियाज। प्रलय अलॉन्ग विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल विल फॉर्म द क्रक्स ऑफ इंडियाज प्लान्ड रॉकेट फोर्सेज। इट विल कंप्लीटली चेंज द टेक्टिकल बैटलफील्ड डायनेमिक्स एंड इंडिया विल हैव टू कन्वेंशनल मिसाइल्स अलॉन्ग विद लॉन्ग रेंज। तो एक तो है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका जो क्रूज मिसाइल है, तो ये हमारा क्रूज ऑप्शन है, और दूसरी आपकी बैलिस्टिक ऑप्शन में ये प्रलय मिसाइल। तो ये दोनों मिसाइल्स जो है वो इंडिया के पास जो है वो आ चुकी है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी आपको नोट्स जो है वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।